तो आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं लूप्स, डीबीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स की हम क्लासेस आज डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। तो बेसिकली लूप, पहले लूप के टाइप देखिए कि लूप जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, फॉर लूप एंड डू लूप। फॉर लूप के भी दो पार्ट है, एक है आपका फॉर आई और दूसरा है फॉर एच, और डू के भी है आपके डू व्हाइल एंड डू अनटिल। तो फॉर लूप करता क्या है इसके बारे में मैंने बताया था, फिर भी एक बार और हम आपको बताते हैं कि लूप करता क्या है। लूप का काम है रिपीटेशन, मतलब कि जितना बार आप रिपीट करना चाहते हो उतना बार आप रिपीट कर सकते हो, दैट इज द लूप। जैसे सब्जेक्ट में हमने यहाँ पे एक सब्जेक्ट यहाँ पे कॉपी का बनाता हूँ। अब मेरे पास एक एक्सेल में एक छोटा सा फॉर्मेट है, नेम सिटी एंड अमाउंट। तो सिटी में यहाँ पे मैं पुणे, नोएडा, दिल्ली, कानपुर, और यहाँ पे टोटल एक छोटा सा हमने स्टिकर टाइप का एक फॉर्मेट बनाया हुआ। अब मुझे इसको प्रिंट करना होता है अपनी जरूरत के हिसाब से, कि जितनी जरूरत हुई उस हिसाब से मैं इसको प्रिंट कर दिया। तो उतना बार रिपीट करना होता, तो मैं चाहता हूं कि मुझे 10 चाहिए, तो ये क्या करेगी, इस एरिए को कॉपी करके इस तरह से 10 बार कॉपी पेस्ट करें। तो मैनुअल करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए इसको हम ऑटोमेशन से करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ रेंज को सिलेक्ट करेंगे A1 से लेके C6, यहाँ लिखेंगे कि रेंज A1 से C6 डॉट कॉपी, ठीक है सर। और फिर मुझे पेस्ट करना है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे रेंज 65,000 डॉट एंड (1,01) नहीं, यहाँ पे 2 कर लेता हूँ, 2,0 डॉट पेस्ट स्टेशन, एक कोड है हमारा। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक चीज को आइडेंटिफाई करना कि किस कोड को हमें कितना बार रन करना है, राइट? कि हमें किस कोड को कितना बार रन करना है, ये एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो हमें किसको लूप के अंदर में रखना है, किसको लूप के बाहर में रखना है। तो इसमें हमें कॉपी तो एक बार करनी है, लेकिन पेस्ट जो है कई बार करनी है। तो कॉपी और कोड को लूप में रखेंगे, हालांकि लूप में रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या होगा, हर बार वो कॉपी करेगी तो उससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और आपका माइक्रो का परफॉर्मेंस स्लो होगा। तो आप पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि दिस कोड वांट टू द रन इन द लूप मल्टीपल टाइम रन द लूप। यहाँ पे हम फोर लूप लगाते हैं कि फोर यहाँ पे आई इक्वल टू 1 to 10, तो 10 हम यहाँ पे देंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट, तो इस लाइन को 10 बार रन कर। तो लूप का काम यही होता है कि नंबर ऑफ कोड को नंबर ऑफ टाइम पर रन करना। अगर हम मान लीजिए कि फोर लूप नहीं लगाते तो हमने अपने कोड को 10 बार रन टाइप करना पड़ता और ये डायनेमिक हो तो फिर हम कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे डायनेमिक मतलब कि हर बार नंबर अलग अलग होता है, इस केस में क्या करेंगे कि यहाँ हम फोर लूप में 10 के जगह पे हम इनपुट बॉक्स दे देते हैं, इनपुट बॉक्स, और इसके अंदर बोलते हैं एंटर
नंबर। अब जैसे हम रन करेंगे मुझसे नंबर पूछेगा, मैं नंबर दूंगा 5 या 4, उतना बार वो कॉपी पेस्ट कर देगा। तो लूप का काम यही होता है, रिपीटेशन। जो भी लूप लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि फोर लूप में ऐसा हो, फोर हो, डू हो, व्हाइल हो, एनीथिंग का काम होता है तो उसके बीच में दी गई कोड को कई बार, जितना बार है उतना बार रन कर। तो आपको पता चल गया कि लूप करता क्या है। अब आते हैं वापस टाइप ऑफ लूप में। तो फोर आई को एक स्टार्ट और एक एंड देना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। जैसे कि हमने यहाँ पे दिया 1 to 10, 10 to 15, 15 to 80, ऐसे लीनियर में आपको देना होता है। फोर एक को देना होता है एक एरिया, जैसे मान लीजिए तो सब ठीक है, वो पता है कि स्टार्टिंग एक से है और एंडिंग 25 से है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक सिलेक्टेड एरिया, ये जितने भी नंबर ऑफ सीड्स हैं या जितने नंबर ऑफ फाइल्स हैं, तो एक ऑब्जेक्ट हमें पता है कि भी एक ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, उस ऑब्जेक्ट के हर एक सेल, जैसे एक सिलेक्शन सिलेक्ट हो गया एग्जाम्पल तौर पे, और इस सिलेक्शन के हर जितना सेल्स है उतना बार मेरा लूप रिपीट करे, तो वहां पे हम फोर इच का इस्तेमाल करते हैं। डू व्हाइल का यूज होता है कंडीशन पे, जैसे कि जब तक एक कॉलम ए में डेटा मिल रहा है, जब तक एक्सेल फाइल के अंदर फाइल्स है, या जब तक मेरा वेब पेज लोड नहीं हो जा रहा है, तो एक कंडीशन हुआ, उस कंडीशन में हम डू व्हाइल को, डू अंटिल एंड डू व्हाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा कंडीशन है। इसके बारे में विस्तार से आगे की 2-3 क्लास में हम इसी चीज को सीखने वाले हैं। चलिए हम 4i पे फोकस करते हुए 4i को हम ज्यादा सीखते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक कॉलन है। अब इस कॉलन के हर एक सेल पे मुझे 1, 2, 3 इस तरह से सीक्वेंस नंबर लिखना है। चलिए तो इसके लिए हम माइक्रो बनाते हैं। सब्जेक्ट आ रहा, हमने यहां पे दिया कि 4i इक्वल टू, चले 1, 2 हमने बोला 100, और नेक्स्ट दे दिया ताकि इसके बीच में हम कोड करें स्टेटिक एंडिंग। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं यहां पे कर दिया कि रेंज a1 डॉट वैल्यू इक्वल टू 1, तो हमेशा a1 पे 100 बार a1 पे 1 लिख देगा और आपको कोई इसका फर्क पता नहीं चलेगा। तो इसमें हम समझते हैं कि i क्या है। तो आई आपका काउंटर है, तो मुझे एक काउंटर चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, आई को जरा छोड़ देता हूँ, तो डिम आर एज ए हमने कर दिया लॉन्ग, और फिर हमने बोला कि आर इक्वल टू आर प्लस 1, और जहां पे हमें 1 था उसके जगह पे हमने आर, और यहाँ पे भी आर। अब रन होगा, मैं इसको स्टेप इन्फो करता हूँ, स्टेप इन्फो में आर हमारे पास क्या है, 0 है, और ये हमारा 0 + 1 = 1 हुआ। अब ए, अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे ए हमारा क्या है, ए है, और आर क्या हो गया, 1 हो गया। ए और 1 जब कंबाइन होगा तो a1 हो जाएगा, a1.value = 1। फिर नेक्स्ट राउंड जब रन करेगा तो आई चेक करेगा कि क्या 100 से ऊपर, आई भी अपने पास इसी तरह से आर अपने पास वैल्यू रख रहा है, ऐसे आई भी अपने पास एक वैल्यू रख रहा है, तो आई की वैल्यू अगर इज ग्रेटर देन 100 है तो लूप बाहर आएगा, अदरवाइज फिर से इसी प्रोसीजर को फॉलो करें, हर बार आर बड़ा होगा। तो जब यहाँ आई हमारे पास ऑलरेडी कैरी कर रहा है सिक्वेंस नंबर को, तो हम यहाँ आर क्यों दे रहे हैं, तो जो R काम कर रहा है वही I काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम R को हटा देंगे और हम I से ही काम चलाएंगे। तो अगर मैं इसको रन करता हूं
तो आप देखेंगे कि सीट के ऊपर 100 का सीक्वेंस लिखा हुआ है। ऐसे जितने भी सीट है, मान लो सीट का नाम चेंज करना है, तो उस केस में भी हम इसी लूप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देते हैं सब्जेक्ट आर आर ब्रैकेट को आर आर टू कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि फोर i इक्वल टू चले 1 2। अब सीट कितने हैं, तो सीट 6 है, तो 6 टाइम। और फिर मैं यहाँ पे करता हूँ कि सीट्स i डॉट नेम इक्वल टू डेटा, इसके साथ हमने i को कंबाइन किया और नेक्स्ट i। तो इसमें इसमें हमने i क्यों किया, क्योंकि हमने सीट का नाम हमें नहीं बताया कि सीट का नाम क्या है, तो हम सीट के सीक्वेंस नंबर को फॉलो कर रहे हैं, पहली सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट, चौथी सीट, पांचवी सीट, ऐसे चाहे नाम कुछ भी हो, पोजीशन के जो वो सीक्वेंस को फॉलो करेगा। तो i हमेशा 6 तक चलेगा, तो हर सीट का नाम डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4 कर। बट वाला नहीं कि जरूरी थोड़ी है कि सीट 6 ही होगा, हो सकता है कि सीट अलग हो, तो यहाँ पे कम ज्यादा हो। तो इसको डायनेमिक करने के लिए हम यहाँ पे देते हैं सीट्स डॉट काउंट। तो जितने भी सीट्स है सारे सीट्स को वो रिनेम कर। समझ में आया आप लोगों को? अमित जी, नितिन जी, प्रकाश जी, शरद जी, कोई डाउट? नो सर, नो सर। लूप समझ में आ रहा है ना, क्योंकि लूप वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कंडीशन का इंपॉर्टेंस थी, ऐसे हमारे लूप का भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ सर। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक नाम देता हूं, उस नाम को हर अलग अलग सेल के अंदर देखना, सुजीत है अलग अलग सेल, तो भी उसको भी लूप कैसे देख। हमने यहाँ पे दिया सब्जेक्ट आर आर स्लैश 3 बाकी डिम एन एज ए स्ट्रिंग कर दिया, और एन के ऊपर कोई नाम उठा ले, जैसे मैं अपना नाम ही लिख लिखा हूँ सुजीत। अब यहाँ पे हम करते हैं सर i इक्वल टू चले 1 2, बोलिए क्या बोल रहे हैं सर? ये जो आप वेरिएबल यूज करते हैं ना i r n, ये कुछ भी ले सकते हैं क्या हम? हाँ कुछ भी ले सकते हैं, तो पढ़ाया था ना आपको मैंने n का, लेकिन मैं i के साथ में k ले रहा था, तो वो मुझे एरर आउट कर रहा था। नहीं नहीं, आई लीजिए या फिर के लीजिए, जरूरी नहीं कि आई और के एक साथ लेना। फिर नहीं नहीं, अलग अलग, ठीक है बाद में बात करते हैं। नहीं कोई बात नहीं, देखिए अवेलेबल्स जो है कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, तो सिंगल लेटर ही होना चाहिए? नहीं जरूरी नहीं है, बड़ा लेटर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, ओके। मैं यहाँ पे चाहूँ तो अमित जी का नाम लिख सकता हूँ कि अमित और यहाँ पे अमित यूज कर लेता हूँ, देखिए। ठीक है, और जैसे 4i बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ 4u कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि मुझे हमने बोला कि 4u इक्वल टू 1 2 कितना बार चले, जितना हमारी लेंथ है। और उसके बाद हमने यहां पे लिखा रेंज। अब यहां पे मुझे अगर वर्टिकली ले देना है, मतलब कि रो वाइज देना है, तो रेंज ए के साथ कंबाइन हो गया यू आई, नहीं यहां पे यू है, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, हमने लगाया है फॉर्मूला मिड, मिड में हमने बोला अमित कॉमा, हमने यहाँ पे दिया
कॉमा, यहाँ पे हमने बोला कि कौन सा पार्ट अलग करना है, तो हमने बोला यू, और कितना अलग करना है हमने बोला ए। तो आप देखिए एक एक लेटर रो बनेगा, लेकिन मुझे रो वाइज नहीं, मुझे इसको कॉलन वाइज करना। तब हम यहाँ पे रेंज यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सेल्स, सेल्स, और यहाँ पे रो फिक्स है वन, कॉलन हमारा यू हो जाएगा, उसकी वैल्यू और ये अलग हो जाएगा। राइट सर, तो हम लूप को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते, जरूरी नहीं है कि सीट पे या रेंज के नेम पे ही करें, आप एक टेक्स्ट के अंदर भी, उसके टेक्स्ट के लेटर्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते, राइट सर। अब इससे ज्यादा इसकी इसकी ज्यादा जो यूज होता है वो यूज होता है हमारे डेटा ऑटोमेशन में। तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने भेजी थी कल, प्लीज उसको कंप्लीट कर ले और आज कंप्लीट कर ले। तो इससे आगे हमारा आता है नेस्टेड लूप, मैं एक लूप के अंदर दूसरा तीसरा लूप, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तो वो वीडियोस और आज की टॉपिक की प्रैक्टिस आप लोग।